इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे। आपको जान के ये बहुत बड़ा दुख होगा कि भारत देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी और महंगाई का इतना बुरा हाल है कि गरीब लोगों को दाल रोटी खाना भी मुश्किल है और दवाई गोली तो बहुत बड़ी बात है। सो राजधानी दिल्ली में गरीब विधवा महिला गरीब विकलांगों के लिए मिलती है 2,500 रुपये महीना पेंशन, जिस 2,500 रुपये में ना तो उनका महीने का खाना पीना हो सकता है ना उनके कपड़े लत्ते हो सकते हैं, और बीमार पड़ने पे उनको अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएं तो उनको किराया भाड़ा भी मुश्किल है। तो इस तरीका से गरीब विकलांग और विधवाओं को जो 2,500 रुपया दिल्ली में पेंशन के रूप में मंथली मिलता है, जो कि बहुत कम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि गरीब विधवाओं को विकलांगों को 5,000 रुपया महीना सरकार से पेंशन मिले जिससे वो दाल रोटी खा सकें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा सही है कि 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलना चाहिए विधवाओं को और विकलांगों को, अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि सरकार तक पहुँचे और सरकार गरीब विधवा विकलांगों के बारे में सोचे और 5,000 रुपया महीना पेंशन दे जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, वो भी पेट भर के गरीब खाना खा सकें और कपड़ा पहन सकें, सुरक्षित रह सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि गरीब विधवा विकलांगों को 5,000 रुपया महीना सरकार द्वारा पेंशन मिल सके और उनकी ज़रूरत पूरा हो सके। इस भले काम में सहयोग कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचने में मदद कीजिए। धन्यवाद।